दोस्तों ऑप्शन राइटिंग क्या है इस बारे में हम जानते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑप्शन राइटिंग, इससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन में जाऊं, मैं ये बताना पसंद करूंगा कि दोस्तों ऑप्शन राइटिंग का सीधा मतलब होता है ऑप्शंस को बेचना। तो ये जस्ट एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसा काम करती है, आप ये मत समझिए कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, बट ये इंश्योरेंस कंपनी जैसा काम करती है। कैसे? आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आप कुछ प्रीमियम पे करते हैं, तो वो प्रीमियम जो पे करते हैं आप, वो एक तरह से आप प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं कंपनी से। तो यहाँ पे जो आप हो वो ऑप्शन बायर हो, और ये जो कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है वो ऑप्शन राइट कर रही है, एक तरह से ऐसे समझिए वो राइटर्स हैं, यानी बेचने वाले, दे आर द ऑप्शन सेलर्स, देन दे आर कॉल्ड ऑप्शन राइटर्स। सो दोस्तों हम समझते हैं डेफिनेशन इसकी, तो वो है राइटिंग एन ऑप्शन रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ फी और प्रीमियम इज पेड टू द राइटर इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू बाय और सेल शेयर्स एट अ फ्यूचर प्राइस एंड डेट। मतलब ऑप्शन राइटिंग में चूंकि है एक राइट मिल जाता है आपको फ्यूचर प्राइस पे ट्रेड करने का, कि आप उसको खरीद भी सकते हो शेयर को और बेच भी सकते हो। तो ये एक डेफिनेशन है, तो इसको समझते हैं हम दोस्तों इस ऑप्शन चैन से। मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन चैन है एक, जिसमें आपको आपके पास ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन हैं। कॉल आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है कि उसका जो अंडरलाइंग स्टॉक है, पहली बात तो ये दोस्तों ये डेरिवेटिव में आता है, ये जो आपका ऑप्शंस पूरा मार्केट आपको पता ही होगा अगर आप इस चीज़ के बारे में जान रहे पढ़ रहे हैं तो ये डेरिवेटिव है जो कि किसी न किसी दूसरे स्टॉक पे आधारित है, यानी निर्धारित है, जो उसके मूवमेंट पे इस पर असर पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो इसका मतलब आपको लगता है कि वो शेयर प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा, इसलिए आप खरीद रहे हो, उसकी कीमत बढ़ेगी। और वहीं आप पुट खरीदते हो अगर आपको लगता है कि कीमत की घटेगी, और इसी का अगर उल्टा कर देते हैं दोस्तों हम, कि अगर हम कॉल को बेच देते हैं, सेल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कॉल को सेल करने का कि मार्केट नीचे जाएगा तब हमको प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम कॉल सेल करते हैं तो मार्केट बाजार के प्राइस जो होता है उस अंडरलाइंग स्टॉक का वो नीचे गिरेगा तब हमको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से अगर हम पुट को बेचते हैं तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तब हमको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इसको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ इस चीज को। तो ये जो LTP दिख रहा है ये सब प्रीमियम के रेट हो गए दोस्तों, ये स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये एक निफ्टी का है, निफ्टी का ऑप्शन चैन बता दूं मैं 8650, ये अभी ATM है, एट द मनी है, प्राइस यहीं कहीं ट्रेड कर रहा है। तो पुट का ये पुट के प्राइस प्रीमियम ये रहे, सबकी स्ट्राइक प्राइस के कॉल भी हैं, सबके स्ट्राइक प्राइस के पुट भी हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि आप कॉल प्रीमियम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऊपर सारे बढ़े हुए हैं, नीचे सारे कम हैं। तो ये जितने भी ये आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है पूरा एरिया, ये अभी आउट द मनी है, मतलब अभी ये रेट आया नहीं है 8750, ये सब आया नहीं है। जब ये आ जाएगा तो ये सब इन द मनी हो जाएगा, इन सब के रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं बाहर, ये सब अभी टाइम वैल्यू है, यानी कि समय, ये सब समय है, समय का पैसा है इसमें दोस्तों। तो ये एक इंश्योरेंस के जैसे हुआ, आप क्या करते हो कि मान लीजिए आपने 8800 का 272 का कॉल खरीद लिया, तो खरीद रहे हो आप, ठीक है। तो दोस्तों तो खरीदने पर क्या है कि अगर बाजार जो है 8650 के उधर नहीं आता, एक लिमिटेड एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी डेट होती है, हर एक ऑप्शन की एक्सपायरी डेट होती है, निफ्टी की भी होती है जो वीकली थर्सडे को होती है, बैंक निफ्टी की आप जानते हैं। तो ये सब जितना भी आउट द मनी होता है वो सब जीरो हो जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन राइटर और ऑप्शन बायर। तो जो लोग खरीद रहे हैं वो ऑप्शन बायर हुए दोस्तों। तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, यहाँ पे एक 272 का खरीद लेगा, अगर फ्यूचर में जो प्राइस है वो 8800 के ऊपर निकल जाता है तो इसकी जो कीमत बनती है 272 ये थोड़ा बढ़ जाएगी। तो जितना भी बढ़ेगा 272 के अलावा वो सारे पॉइंट्स उसके प्रॉफिट है दोस्तों। फिर आप जितने पॉइंट मिलते हैं उसको आप लॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आपको प्रॉफिट बनता है। और अगर वो वहां पे नहीं पहुंच पाया तो एक्सपायरी पे अगर ये नहीं पहुंच पाया तो ये सब जीरो हो जाएंगे आउट द मनी वाले, तो ये सब 272 रुपीज आपका सब लॉस हो जाएगा। ये जो 272 आपका लॉस होगा दोस्तों ये क्या है, ये सब जाएगा ऑप्शन राइटर के जेब में।
तो ऑप्शन राइटर क्या कर रहा है इसमें समझ में आ रहा है हमको, ऑप्शन राइटर जो है आपको बेच रहा है 272 का, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब ओपन इंटरेस्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो 8800 पे जो 272 आपको दिख रहा है ये इसका रेट है, जो कि इतने रेट पे ये लोग इतने बेच रहे हैं अभी 1,34,000, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों, ठीक है। सो ऑप्शन राइटर्स क्या करते हैं, आपको प्रीमियम बेचते हैं, यानी कि एक तरह से इंश्योरेंस बेचते हैं और आप उसको खरीद लेते हो। अगर दुर्घटना हुई और वो प्राइस नीचे गिरा तब आपको प्रॉफिट मिलता है, तब आपको पूरा पैसा मिलता है इंश्योरेंस का, नहीं तो वो आपका सब चला जाता है अगर आप बाय करते हो तो। तो जाता किधर है, कंपनी को मिलता है, तो वो कंपनी यही पैसा रखती है। ये सब राइटिंग करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये पुट राइटिंग, इधर साइड पुट राइटिंग है और इधर साइड कॉल राइटिंग है दोस्तों। सिमिलरली जैसे मैंने कॉल समझाया था, इस तरह से पुट भी होता है। कॉल राइटिंग में आप समझ गए, तो पुट राइटिंग में भी इसी तरह होता है। पुट राइटिंग में लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। पुट राइटिंग कब करते हैं लोग, पुट राइटिंग मतलब बेचना, राइटिंग मतलब बेचना। तो लोग कब बेचते हैं, जब उनको लगता है कि आगे इसकी कीमत नहीं जाएगी। तो पुट राइटिंग अगर कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब आगे की कीमत नहीं आने वाली है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट राइटिंग करके बैठ जाते हैं। तो जो भी अगर वो कीमत उतनी नहीं गिरी तो वो सब उसका प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। उससे ऊपर आपका रेट नहीं जाएगा, मतलब ऊपर नहीं चढ़ेगा। 8,650 पे पुट राइटिंग हुई है, तो इसका मतलब दोस्तों कि 8,650 के ऊपर मार्केट बाजार का प्राइस जो है नहीं जाएगा, उसके नीचे ही रहेगा। उन लोग का मानना ये है, इसलिए तब जाके वो यहाँ पे राइट करते हैं, मतलब वहां पे बेचते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इस पूरे एनएससी की ऑप्शन चेन को, एनएससी से मैंने लिया हुआ है, इस ऑप्शन चेन को समझ गए होंगे। तो अब जानते हैं दोस्तों कि बेनिफिट्स क्या है ऑप्शन राइटिंग के। तो ऑप्शन राइटिंग के जो बेनिफिट्स दोस्तों वो है, मैंने कि बेचना, ऑप्शन को बेचना, उसके उसके क्या बेनिफिट्स, उसके क्या लाभ है। तो पहला, कीप फुल प्रीमियम फॉर एक्सपायर्ड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, मतलब पूरा प्रीमियम जो भी अगर एक्सपायरी होती है तो आउट ऑफ द मनी जितना भी ऑप्शंस होते हैं वो सब पैसा अब ऑप्शंस राइटर्स के जेब में जाता है, वो सब ऑप्शन राइटर लेके जाते हैं, बेचने वाले लेके जाते हैं। दूसरा, प्रीमियम रिसीव्ड इमिडिएटली, मतलब जैसे ही आप ऑप्शन को बेचते हो तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। क्यों, प्रीमियम मिलना शुरू हो जाता है, प्रीमियम ऑलरेडी मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है जैसे आप बेचते हो प्रीमियम। फिर बात करते हैं टाइम डीके की। तो दोस्तों जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 31 तारीख तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मान लीजिए, तो जैसे जैसे 31 तारीख के दिन बढ़ते मतलब कम होते रहेंगे तो टाइम जो है खत्म होता रहेगा, तो टाइम का पैसा सब आपको मिलता है अगर आप ऑप्शन राइट करते हो तो। यही बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की दोस्तों। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ऑप्शन राइटर जो है कभी भी अपने शेयर्स बाय बैक करके, अपने कॉन्ट्रैक्ट बाय बैक करके निकल सकता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं हु इज एन ऑप्शन राइटर, ऑप्शन राइटर है कौन। तो अ पर्सन हु राइट्स और सेल्स एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू अर्न द प्रीमियम, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आदमी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचती है दोस्तों इस आश में, इस मतलब इस यह सोच कर कि उसको सारा प्रीमियम मिल जाएगा, वो होते हैं ऑप्शन राइटर्स, विच इज द फी दैट द परचेजर पेज द राइटर। तो जो ये जो परचेजर है, जो बाय करते हैं ऑप्शन, वो सब एक फी पे करते हैं, वही सब रखता है ऑप्शन राइटर। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज ऑप्शन बाइंग। सिंपली जैसे ऑप्शन बेचते हैं लोग, वैसे लोग खरीदते भी हैं। अक्सर ऑप्शन बाइंग जो है सस्ती पड़ती है और ऑप्शन सेलिंग जो है महंगी पड़ती है, लेकिन बात करते हैं अगर प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की। प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन सेलिंग वाले ज्यादा पैसा बनाते हैं। बात करते हैं ऑप्शन बाइंग इज द बाइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय पेइंग अ फी ऑफ प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं तो हम कुछ पैसा पे करते हैं ऑप्शन सेलर को। तो दोस्तों यही है ऑप्शन बाइंग, सिंपली ऑप्शन बाइंग में कोई बड़ी चीज नहीं है। बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो क्या लाभ होते हैं ऑप्शन बाइंग के दोस्तों। तो ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं रहता, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। सबसे बड़ी चीज यही है कि इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट्स की कोई सीमा नहीं है। अगर आपने जैसे मैंने 272 का एग्जांपल लिया था, तो अगर 272 का प्रीमियम आप बाय करते हो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट उस स्ट्राइक प्राइस का, तो आपका जो लॉस है वो 272 पॉइंट्स का ही है, लेकिन वो 272 दोस्तों 1000 भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जीरो से नीचे नहीं जाएगा। ये एक जो है
पॉजिटिव एस्पेक्ट है बाइंग ऑप्शंस में। दूसरा है लिमिटेड एंड एसेंशियल लॉस, एस्टिमेटेड लॉस सॉरी। तो ये वही चीज है कि आपको एक लिमिटेड लॉस है, आपको पीस ऑफ माइंड है, एक दिमाग की शांति है कि आपका लॉस जो है वो निश्चित है कि इतना ही होगा। यानी कि अगर आप निफ्टी का एक ऑप्शन बाय करते हो 50 रुपीज वाला, तो आपको 50 पॉइंट्स का ही लॉस होगा, 50 into नंबर ऑफ शेयर्स एक लॉट में। अगर आपने एक लॉट खरीदा है तो उसमें निफ्टी का अगर खरीदते हैं तो 75 का लॉट होता है, तो 75 into 50 आपका इक्वल टू जो भी आता है वही आपका लॉस है। तो इसमें आपको शांति रहती है, कोई घबराहट नहीं है, मार्केट कहीं भी चला जाए, यहाँ गिर जाए, चढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको लिमिटेड लॉस होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। लेकिन मैंने फिर से जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग की प्रॉफिट की कम होती है, लग नजर आता है कि इसमें ज्यादा पैसा है, लेकिन दोस्तों पैसा अधिकतर जो है सेलर्स कमाते हैं, राइटर्स कराते हैं, पुट कॉल राइटर्स जो होते हैं यही पैसा बनाते हैं खासतौर पे। आप जाके इसको और अच्छे से सर्च कर सकते हैं, गूगल आपके लिए खुला है दोस्तों। आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा दोस्तों, ऑप्शन राइटिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।